अब नेक्स्ट ऑपरेशन डिस्कस करते हैं, इनिट ऑपरेशन। ओके, तो इनिट ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है पहले उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद कैसे चेक करेंगे कि रेगुलर लैंग्वेज जो होती है वो इनिट ऑपरेशन पे भी क्लोज होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक हम एग्जांपल ले लें और उसके करस्पॉन्डिंग इनिट कैलकुलेट करेंगे, लेट्स से गेट। ओके, ये आपकी एक स्ट्रिंग है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या करना है हमें, प्रीफिक्स कैलकुलेट करना है। इनिट का मतलब बेसिकली होता है प्रीफिक्स। ओके, तो प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ, इसके करस्पॉन्डिंग इसका प्रीफिक्स होगा सबसे पहले क्या होगा, नल। कोई भी अगर आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है उसका अगर हम प्रीफिक्स कैलकुलेट करेंगे तो नल उसमें आ जाएगा। फिर स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, जी, तो जी लिख दिया। नेक्स्ट क्या हो रहा है, यानी वन लेंथ हमको मिल गया, अब टू लेंथ, टू लेंथ क्या आपका जी ए, नेक्स्ट थ्री लेंथ जी ए टी, नेक्स्ट लेंथ ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे जी ए टी। तो ये हो गया आपका प्रीफिक्स। अगर इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का करस्पॉन्डिंग प्रीफिक्स कैलकुलेट करेंगे तो नल जी जी ए जी ए टी जी ए टी ई, ये हो जाएगा प्रीफिक्स। तो अब इनिट ऑपरेशन बेसिकली क्या है, कोई भी आपकी एक लैंग्वेज गिवन होगी तो लैंग्वेज इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। लेट सपोज हमने ये एक लैंग्वेज ले ली एल, विच इज अ सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विद ए बी, यानी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हर एक सिंबल क्या हो रहा है, ए बी से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ सिग्मा क्या आपका ए कॉमा बी। अब इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रिंग क्या आएगी, सबसे पहले क्या आएगा ए बी, नेक्स्ट आएगा ए बी ए ए बी बी ए बी ए ए ए बी ए बी ए बी बी ए एंड ए बी 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 एंड सो ऑन, ये सारे स्ट्रिंग। अब इसका किस तरीके से इनिट कैलकुलेट करेंगे, तो जब अगर कोई भी एक आपकी, जैसे ये आपकी एक स्ट्रिंग थी, ओके, ये अगर कोई एक फाइनाइट लैंग्वेज है तो उसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगी ये सारी चीज़। लेकिन अगर कोई इनफाइनाइट लैंग्वेज है तो क्या करेंगे, इसमें जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी, जैसे यहाँ ए बी है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग, हर का इंडिविजुअल इनिट कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स प्रीफिक्स, और उसके बाद क्या करेंगे, सबका यूनियन कर देंगे, तो जो रिजल्टेंट आएगा वही हो जाएगा आपका इनिट। देखते हैं, लेट सपोज अगर हम इसको एज्यूम कर लीजिए, ये आपकी स्ट्रिंग क्या है W1, और ये W2 है, और ये W3, लेट सपोज ये W4 है, W5, W6 एंड W7, इतना ये सपोज इट कैलकुलेट करें, बाकी एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से इसको हम फाइंड करेंगे। अगर हम लेट सपोज W1 का इनिट कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, नल स्ट्रिंग, देन ए, देन ए बी, ये हमें मिल गया ए बी के करस्पॉन्डिंग सारे प्रीफिक्सेस। अब डब्ल्यू टू का अगर कैलकुलेट करेंगे तो डब्ल्यू टू का क्या आ जाएगा, नल स्ट्रिंग, नेक्स्ट क्या हो जाएगा ए, नेक्स्ट ए बी, और क्या आ जाएगा ए बी ए, ये हो गया। डब्ल्यू थ्री के करस्पॉन्डिंग अगर कैलकुलेट करेंगे तो वही सेम चीज़, ए नल ए ए बी एंड ए बी बी, ये आ गया। अब अगर डब्ल्यू फोर के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, नल, देन ए, देन ए बी, देन ए बी ए, ए बी ए, देन लास्ट वाला क्या आ जाएगा ए बी ए ए। ओके, लेट सपोज डब्ल्यू फाइव भी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, नल, नेक्स्ट है आपका ए बी, सॉरी ए, देन ए बी, देन क्या जाएगा ए बी ए, उसके बाद क्या जाएगा ए बी ए बी। ओके, ऐसे ही W6 W7 का कैलकुलेट करेंगे। अब क्या करेंगे, हर एक जो हमने हर एक स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग प्रीफिक्स कैलकुलेट कर उसको कंबाइन करेंगे तो रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आ जाएगा। अगर इसमें देखें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सेट लिखेंगे, क्योंकि ये जो आपका इनिट आएगा वो एक सेट आएगा और सेट में कोई भी रिपीटेड एलिमेंट नहीं होगा, हर एक एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं। यहाँ देखो सब में नल आ रहा है, नल लिख लो, नेक्स्ट यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, सब में ए आएगा, जितनी भी स्ट्रिंग आएगी चाहे वो आपकी फोर लेंथ हो, नेक्स्ट अगर फाइव लेंथ सिक्स लेंथ, वो सब में क्या होगा ए आएगा, सिंपली ए लिख लिया। नेक्स्ट अगर यहाँ देखो ए के बाद क्या है, ए बी यहाँ भी है, ए बी ए बी ए बी हर जगह ए बी है, तो क्या आ जाएगा ए बी। नेक्स्ट अब देखें ए बी आ गया, उसके बाद क्या है ए बी ए, यानी ये पूरी पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी ए बी ए, ए बी ए, नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या आ रही है ए बी बी, नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या आ रही है ए बी ए, ऑलरेडी आ चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे। ओके, तो ए बी ए नहीं लिख रहे, अब सीधे ये स्ट्रिंग लिखेंगे, क्या स्ट्रिंग आ रही ए बी ए ए, नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या आ जाएगी ए बी ए, ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, यहाँ भी आ चुका है, तो सिर्फ ए बी लिखेंगे, नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या आ जाएगी ए बी, सॉरी ए बी ये आ रही, एंड सो ऑन। तो अगर इसको केयरफुली देखें तो जो आपकी लैंग्वेज थी, इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग हमने इनिट कैलकुलेट किया, तो ये सारी स्ट्रिंग जो है आ रही है एक्सेप्ट इसके पहले वाली जो भी स्ट्रिंग है, यानी अगर देखें ए और नल एक्स्ट्रा आ रहा, बाकी सारी वही सेम स्ट्रिंग आएगी जो इस लैंग्वेज से बिलोंग कर रही है। ओके, अगर इस लैंग्वेज को कंपेयर करें तो ये सारी स्ट्रिंग जो लैंग्वेज में प्रेजेंट थी वो सारी आएगी, साथ ही साथ ये दो एक्स्ट्रा स्ट्रिंग आ रही है। तो अब ये हो गया इसका, इसको कहते हैं इनिट। ओके, ये जो हमने कैलकुलेट किया वो क्या है, इनिट।
इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअली हर एक स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग प्रीफिक्सेस कैलकुलेट किए, ये हमें डिफरेंट डिफरेंट सेट मिले, और उसको हमने क्या किया, यूनियन किया, तो हमें रिजल्टेंट जो हमें सेट मिला उसको क्या कहते हैं, इनिट ऑफ दैट लैंग्वेज। अब इसको कैसे चेक करेंगे कि रेगुलर लैंग्वेज जो होती है वो इनिट पे क्लोज होती है? सिंपली क्या होगा, जो भी आपका गिवन लैंग्वेज होगी उससे करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, डी एफ ए डिज़ाइन कर लेंगे। ओके, तो डी एफ ए डिज़ाइन करते हैं। इसका डी एफ ए हम लोग ऑलरेडी डी एफ ए डिज़ाइनिंग में डिस्कस कर चुके हैं, तो किस तरीके से क्या है आपका मिनिमम लेंथ ए बी, तो ये आगे एक्सेप्ट हो गया। ओके, ये सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। अगर इसके बाद ए आएगा तो हम क्या करेंगे, डेड स्टेट पे दिखा देंगे। ओके, और बी से अगर स्टार्ट हो रहा है तो भी हम डेड स्टेट पे दिखा देंगे। तो ये तो हो गया इसके करस्पॉन्डिंग डी एफ ए। ओके, तो जो भी अगर आपको लैंग्वेज गिवन होगी उसके करस्पॉन्डिंग डी एफ ए डिज़ाइन करेंगे, और इसमें जो जो नॉन फाइनल स्टेट होंगे उसको फाइनल बना देंगे। तो बी नॉन फाइनल है, ये भी स्टेट फाइनल हो गया, ये भी स्टेट फाइनल हो गया, लेकिन ये क्या आपकी डेड स्टेट है, तो डेड स्टेट को हम फाइनल नहीं बनाएंगे। अगर कोई भी आपकी डी एफ ए गिवन है उसमें जो फाइनल है एज इट इज़ रहने देंगे, और नॉन फाइनल्स को क्या करेंगे, फाइनल में कन्वर्ट कर देंगे एक्सेप्ट डेड स्टेट। तो अब अगर इसको देखें इस यानी एक तरीके से क्या है, ये यूनिट जो हमने कैलकुलेट की ये भी एक लैंग्वेज ही है, तो इस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग अगर देखेंगे तो ये सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। नल, ये अगर इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट दोनों सेम है तो नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। यहाँ से ए एक्सेप्ट हो रहा है, देन ए बी, उसके बाद तो सारे एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपकी एक लैंग्वेज गिवन होगी इसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, इनिट कैलकुलेट करेंगे। तो इनिट का मतलब क्या हुआ, सिंपली इस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग डी एफ ए डिज़ाइन करेंगे, और इस डी एफ ए में जो आपकी नॉन फाइनल स्टेट्स होंगी उसको क्या करेंगे, फाइनल कन्वर्ट कर देंगे, और जो फाइनल है एज इट इज़ रहने देंगे एक्सेप्ट ट्रैप स्टेट। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें डी एफ ए मिलेगा वो भी किसी न किसी लैंग्वेज का होगा, तो अगर डी एफ ए मिला उसके करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, रेगुलर होगी। तो यहाँ हमने स्टार्ट किया था रेगुलर से, रेगुलर को के करस्पॉन्डिंग इस लैंग्वेज के करस्पॉन्डिंग डी एफ ए डिज़ाइन किया, और ये मॉडिफिकेशन किए, नॉन फाइनल्स को फाइनल कर दिया एक्सेप्ट डेड स्टेट। तो ये भी तो एक डी एफ ए ही है, यस ये डी एफ ए है, तो यानी इसके करस्पॉन्डिंग जो लैंग्वेज आ रही वो ये लैंग्वेज है, और ये भी क्या आपका रेगुलर है। तो इसलिए रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज अंडर इनिट ऑपरेशन। ओके।